रहमत। बेगम साहबा जी तुसी मैनू बुला लेंदे जी, मैं आपे आ जाती। आए ना जी। बैठे ना जी, इत्थे बैठे। कब तक तुम ये छुप छुप के रोती रहोगी? बैठो। नहीं जी, भला मेरी की जरूरत जी, तुहाडे अगे बैठो। बैठो रहमत, कोई बात नहीं, बैठो। चल शाबाश। तुम्हारा गम बहुत बड़ा है रहमत, पहले मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हो गया है। देखो ना बेगम साहबा जी, कसूर तो सारा मेरे उम्र का है ना, रोशनी बीबी नूं तलाक दिंदा और ना ये सारा स्यापा होता। नहीं, इसमें उम्र का क्या कसूर है? ना अब्बा जी रोशनी की बारात लौटाते, ना ये मसले मसाइल खड़े होते। रहमत, तुम्हारा दिल नहीं चाहता अपने बेटे से मिलने को? दिल दा की है बेगम साहबा जी, मामा दा दिल ते हो जाई हुंदा ना, पर हर गल पूरी तो नहीं ना हो सकती। वैसे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो तो ऐश करती फिर रही है, उसे कहो ना अब्बा जी से बात करे। केड़ी गल जी? उमर को छुड़वाने की और किसकी? बड़े साहब जी मान जान के जी, उनकी चहेती पोती है, वो कहेगी तो जरूर मानेंगे। ना बेगम साहबा जी ना, मैं हुन रोशनी बीबी नू और मुसीबत च नहीं पा सकती जी, ते ना ही बड़े साहब जी नाल अखा मिलाण दा हौसला है मैनू। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी, जब तुम्हें खुद ही एहसास नहीं तो कोई एहसास तो नहीं दिला सकता ना। ये देखो रोशनी कैसे हैं। ये किसके लिए हैं ताईजान? मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे और दर्जी अभी अभी देके गया है ये कपड़े। अरे वाह, ये सब तो बहुत खूबसूरत हैं। वाकई तुम्हें पसंद आए? आपकी पसंद है इतनी लाजवाब, हो ही नहीं सकता कि बुरे लगे। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं इसी में से कोई जोड़ा तुम्हारे लिए इस्त्री करवा देती हूँ। ठीक है। और बेटा जरा बन सवर के रहा करो, खूब हार सिंगार किया करो। बनने सवरने का शौक ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो ठीक है। जीती रहो। अरे सफिया आप वहां क्यों खड़ी, अंदर आइए ना। बड़े लाड दिखाए जा रहे? नहीं, वो मैंने बस रोशनी के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, वही दिखा रही थी। रानिया का तो कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया आयशा? वो भी तो तुम्हारी बहू है ना। पप्पो, अगर रानिया को इसमें से कुछ पसंद आता है तो वो रख। तुमसे किसने कहा है कि रानिया को खैरात चाहिए? आप गलत समझ रही हैं, मेरा ये तुम्हारा जो भी मतलब हो, आइंदा सोच समझ कर बात करना। रानिया कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है। अरे सफिया पा, रोशनी तो उसकी मोहब्बत में कह रही है। अच्छा, इतनी मोहब्बत करती है, तभी सौतन बनकर उसके ऊपर आई है। खैर छोड़ो, ये कपड़े रानिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना वो हर्ट होगी। नसरीन,
नसरीन। नसरीन, नसरीन कहां मर गई हो? नसरीन। छोटी बेबी, बस मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई हो तुम। बेगम साहिबा ने कहा था रोशनी बीबी के कपड़े प्रेस कर दूं पहले। कपड़े ज्यादा जरूरी है मेरी बात से? जवाब दो, कुछ पूछा है मैंने? नहीं छोटी बीबी, माफ कर दे। जाओ दफा हो जाओ, जाके जूस लेके आओ मेरे लिए। कपड़े बाद में ले जाना, जाओ। नसरीन, नसरीन कहाँ हैं आप? जी बेगम साहिबा, मैंने आपको कब से कमीज दी थी इस्त्री के लिए, ये कैसे हुआ है बताइए ना मुझे, ये क्या हुआ है? कसम ले ले बेगम साहिबा, मैंने तो बिल्कुल ठीक इस्त्री करके रखे थे, पता नहीं कैसे हुआ। कौन आया है यहाँ? और रानिया बीबी। ये क्या किया है तुमने? मैंने ही काटा है कैंची से। क्यों? शुक्र करें अभी सिर्फ कपड़े काटे हैं, आपकी चहेती का गला नहीं काटा। तुम्हारा दिमाग ठीक है रानिया? तुम क्या समझती हो कि जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम करती रहोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? और आपको क्या लगता है मुझे जलाने और तड़पाने के लिए अपनी चहेती के नाज नखरे उठाती रहेंगी और मैं खुशी खुशी बर्दाश्त कर लूंगी? ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। रोशनी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश में अपना कोई नुकसान कर लोगी तुम। बेफिक्र हैं आप, अपने फायदे और नुकसान का इल्म है मुझे, आप बस अपनी चहेती की फिक्र करें। वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन तुमसे आके अब रायान ही बात करेगा।